हेलो फ्रेंड्स, इजी एडिटिंग के नए ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। इजी एडिटिंग के इस ट्यूटोरियल पे हम बात करेंगे दो टूल्स के ऊपर। ये बहुत शॉर्ट ट्यूटोरियल्स होने वाला है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप इसको प्लीज ध्यान से देखिए। ये दो ऐसे टूल्स हैं जिसपे मैं अभी क्लिक किया हूँ, रिपल एडिट टूल्स और रोलिंग एडिट टूल्स। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका कोई भी यूज नहीं करता है, बिगनर तो खासकर यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपका काम बहुत फास्ट हो सकता है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिपल होता क्या है, क्योंकि हम रिपल एडिट टूल्स के बारे में बात कर रहे हैं। रिपल होता क्या है, मैं आपको रिपल डिलीट से बताता हूं रिपल क्या होता है। यहां पे मान लीजिए ये गैप है, आपने अभी अभी इस फुटेज को थोड़ा छोटा किया और यहां पे गैप क्रिएट हो गया, तो आपको इस गैप को फिल करना है। तो आप इसको क्लिक कीजिए, राइट क्लिक मारिए, रिपल डिलीट का ऑप्शन आ गया, यही है रिपल डिलीट। यहां से आप इस तरह से रिपल का यूज करते हैं। तो अगर हम इस पे जाएं, रिपल एडिट टूल्स पे जाएं, इसका शॉर्टकट है बी। अगर मैं इस पे जाऊं तो आप देखिए इसको कैसे यूज करते हैं। आपने अभी साइन को देखा होगा, इसका साइन बन गया है यहाँ पे। और आप अगर इस पे वीडियो पे जाएं, फुटेज पे, तो इसके साइन के ऊपर रेड कलर की लाइन बनी आ रही है। वो रेड कलर की लाइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ को जाएं तो देखिए इसका अपने आप चेंज हो गया, तो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। आप रिपल डिलीट का ऑप्शन देखिए कैसे इसमें अपने आप लग जाएगा। जैसे मैं इसको क्लिक करके इसको छोटा कर रहा हूँ, तो अपने आप सारी फुटेज इस तरफ आ रही है। मेरे को अलग से वो करने की, रिपल डिलीट करने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। और मैं इसको इस तरफ ले जाता हूँ तो अपने आप मेरी ये वाली फुटेज छोटी हो रही है। देखिए यहाँ से भी छोटी हो सकती है, मतलब कि ये फुटेज यहाँ से भी छोटी हो सकती है और यहाँ से भी छोटी हो सकती है इस वाले ऑप्शन से। तो आपको समझ आया इसको कैसे यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं और क्यों इसका यूज नहीं करते हैं। सबको रिपल डिलीट का ऑप्शन पता है, सबको पता है कि अगर मैं ये सारी फुटेज यहाँ से सिलेक्ट करूँ और साइड कर लूँ और साइड कर लो और यहां से रिपल डिलीट मारूं तो रिपल डिलीट हो जाएगा। आपको पता है कि मैंने इसको यहां से कम किया, तो यहां से रिपल डिलीट मारूं तो रिपल डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर जिसको ये पता है कि अगर बी दबा के मैं सीधा इसके पीछे कर सकता हूं, तो उतना लंबा प्रोसेस नहीं करेगा, तो आपका काम फास्ट हुआ है, जाहिर सी बात है। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोग इसका यूज नहीं करते जो कुछ और ट्यूटोरियल्स पे देख लेते हैं और उनको लगता है कि यही बेस्ट ऑप्शन है। ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं आपको इसमें बता रहा हूं। तो अगला टूल है रोलिंग एडिट टूल और इसका शॉर्टकट है एन। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले ये भी देखिए फुटेज के बीच में कहीं अप्लाई नहीं हो पा रहा, आप बॉर्डर पर जाएं तो ये अप्लाई होगा। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ दूसरे तरीके से कि असली में लोग कैसे करते हैं। आप यहाँ जाएं, आपने इसको छोटा किया और आप चाहते हैं दूसरी फुटेज बड़ी हो, तो दूसरी फुटेज को क्लिक किया, ये बड़ी किया, तो इस तरह से इसका यूज किया। अगर आप मैं बैक जाऊं और मैंने यहाँ पे टूल यूज कर रहा हूँ, इसका शॉर्टकट है एन। अभी देखिए अगर मैं स्केच पे जाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो रेड लाइन थी इसको क्रॉस करते हुए ये रेड लाइन ये हट गई है। अब मैं इसको साइड में करूं तो देखिए एक फुटेज अपने आप छोटी हो रही है और दूसरी अपने आप बड़ी हो रही है, आपने ध्यान दिया होगा, ये देखिए। और ऊपर आपको प्रोग्राम विंडो पे, ये वाली वीडियो प्रोग्राम विंडो होती है, ये वाली विंडो, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों पे क्या फर्क पड़ रहा है। दोनों का एज भी आपको दिखाई दे रहा है, दोनों की टाइमिंग भी आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से आप इसको जज कर सकते हैं। तो इस तरह से इस वाले टूल का यूज करते हैं। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारी आगने वाली टूल्स और आने वाली वीडियोस के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको सच में ये वैल्यूएबल लगता है तो हमें सपोर्ट कीजिए। कभी कभी हमारी एड आती है, उन पर क्लिक भी कर दीजिए, हमें फायदा होगा उससे। थैंक यू सो मच। हमारी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।